और उदयपुर प्रकरण की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले चार मांगों पर सहमति बन गई है। परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ये मांग थी, इस पर सहमति बनी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, इस पर सहमति बनी है। परिवार को 51 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, इस पर भी सहमति बन गई है। तो आपको बता दें कि ये चार मांग हैं जिन पर सहमति बन गई है। आज देवराज नहीं रहा और उसके बाद लगातार कुछ मांगे उठाई जा रही थी। हालांकि देवराज की मां का साफ तौर पर यही कहना था, किसी तरह का मुआवजा, किसी तरह की मदद और सहायता नहीं चाहिए उनको। अपने बेटे के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, फांसी की सजा मिले, ये उनकी मांग थी। लेकिन समाज के लोगों की तरफ से मांगों को रखा गया। चार मांगों पर कहा जा रहा है कि सहमति बन गई है। एक तो यही कि परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पूरा मामला चलेगा, इसकी सुनवाई होगी, परिवार को 51 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और संविदा पर परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी, इस बात पर भी सहमति बन गई है। तो कुल मिलाकर चार जो मांगे थी, चार मांगों पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, अंतिम संस्कार को लेकर अभी अंतिम फैसला लेना बाकी है। पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन की भारी व्यवस्था वहां पर की गई है। आईजी उदयपुर रेंज और साथ ही साथ उदयपुर संभाग के कमिश्नर वहां मौजूद हैं। एसपी और कलेक्टर पहले से ही वहां पर पहुंच गए थे। लगातार पूरे इस मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि पूरी कोशिश की गई, डॉक्टरों की टीम, एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों की विशेषज्ञों की निगरानी में देवराज का इलाज चल रहा था। 16 अगस्त की वो घटना जब स्कूल में उसी के साथी की तरफ से चाकू से हमला करके उसको घायल कर दिया गया और फिर लगातार इलाज चल रहा था एमबी अस्पताल उदयपुर में। पूरी डॉक्टरों की टीम जुटी हुई थी लेकिन आज समस्या और ज़्यादा विकट हो गई। स्वास्थ्य खराब होने लगा, ब्लड प्रेशर डाउन होने लगा और फिलहाल बाकी जो स्थिति है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जब ये 16 अगस्त को घटना घटी थी, चाकू लगने के बाद बहुत ज़्यादा खून बह गया था और खून बहने के बाद कहा जा रहा है 12 यूनिट्स खून की चढ़ाई गई देवराज को। लेकिन जब खून एकदम से पूरे शरीर का काफ़ी ज़्यादा बह गया तो एक तरह से बाकी जो शरीर के जो शरीर के मुख्य अंग थे उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई और उन्हीं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में लगातार डॉक्टरों की टीम जुटी हुई थी। लेकिन अब आज ये शाम को करीब 5:45 के आसपास बेहद दुखद खबर सामने आई। कमलेश दखनी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो चार मांगों पर सहमति? जी देखिए, बिल्कुल चार मांगों पर सहमति बनी है। इसमें मुआवजा राशि जो 51 लाख की, उस पर सहमति बनी है। दूसरा संविदा पर नौकरी की बात सामने आई, उस पर भी सहमति बनी है। तो अब लगातार जो प्रयास ये किया जा रहा है कि वार्ता की जा रही परिजनों समाज के लोगों से की अंतिम संस्कार के बारे में, लेकिन ये बात सामने आ रही है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि अंतिम संस्कार कब किया जाए। हालांकि यहाँ जो काफी जो भीड़ है उसको पुलिस अब तितर बितर भी कर रही है, दूर कर रही है ताकि किसी तरह का माहौल नहीं बिगड़े। बिल्कुल, और जैसा हमने अभी दर्शकों को बताया भी और जब कपिल श्रीमाली हमारे उदयपुर संवाददाता वो भी लगातार आपके साथ अपडेट दे रहे थे तो उनके मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आई थी कि मृतक छात्र की मां का ये कहना था, हमें सहायता मदद किसी तरह की नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि फांसी मिले मेरे बेटे के दोषियों को। लेकिन समाज की तरफ से ये तमाम मांगे रखी गई जिस पर अब ये सहमति बनती दिख रही है। जी देखिए, बिल्कुल सहमति बनी है, उसके बाद ही यहाँ पर लेकिन वार्ता ये चल रही है कि इनका अंतिम संस्कार कब किया जाए शव का, उसको लेकर यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो उनके आने के बाद ही निर्णय किया जाएगा कि अंतिम संस्कार कब किया जाए। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी वो लगातार लोगों से प्रयास अपील भी कर रहे हैं किस तरह की अशांति नहीं हो, माहौल अशांत नहीं हो, इसको लेकर भी पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जो संगठन के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनमें अभी भी आक्रोश है इस बात को लेकर। जी बिल्कुल, कुछ और अपडेट्स, क्योंकि नेटबंदी भी 24 घंटे और बढ़ा दी गई है एहतियात के तौर पर। जो लोग यहाँ अस्पताल में आए उनको समझाया बुझाया जा रहा है कि आप संयमित रहें, ये लगातार प्रशासन और पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। कलेक्टर, एसपी और आईजी और कमिश्नर संभाग वहां सभी मौजूद हैं। कमलेश,
बिल्कुल, देखिए नेटबंदी भी 24 घंटे और बढ़ा दिया गया है, ऐसे में शहर में किसी तरह की अशांति नहीं फैले, किसी तरह की अफवाह सोशल मीडिया के द्वारा नहीं फैले, ऐसे में जो कि 24 घंटे की है नेट बंद किया गया है। और खुद आईजी और कमिश्नर, एसपीओ, कलेक्टर, चारों जो आलाधिकारी है जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के, वो तो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं किसी तरह की बहकाव में ना, किसी तरह की अशांति नहीं फैले, न ही कोई उपद्रव करे, और अगर करते हैं, अगर कोई पाया जाता तो पुलिस सख्ती से भी पेश आएगी। जी, पोस्टमार्टम जारी है, अगले कुछ समय बाद संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम अभी जारी है, जो प्रक्रिया है वो चल रही है समय मोर्चरी के अंदर, और कुछ समय बाद जो है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है कि पूरी हो जाएगी। आप रहें, लाइन पर रहें, जरा एक संबंधित खबर पर बयान आया है वो सुनते हैं पहले। जो प्रशासन अधिक से अधिक राज्य सरकार से बात करे, परिवार की चार मांगे थी, चारों मांगों को, चार परिवार की चार मांगे थी, पहली तो हमें सुरक्षा प्रदान की जाए उनको दे दी, दूसरा फर्स्ट ट्रैक के अंदर मुकदमा चले वो सहमति बनी, तीसरा 51 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार विभिन्न स्रोतों से राज्य सरकार देगी, ऐसा कलेक्टर साहब ने सबके बीच समझौते पर दस्तखत करके, और 10,000 की प्रोसेस चल रही है, संभव हुआ तभी होगा, नहीं संभव होगा जो भी बात चल रही है। सरकारी नौकरी का, हाँ, ऐसा संविदा पे अभी तत्काल लगाएंगे और राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे स्थायी नौकरी के लिए, संविदा 51 लाख रुपए की। जैन यहाँ स्थानीय विधायक हैं, कमलेश दक्षिणी, उन्होंने ये बताया कि चार कौन सी मांगे थी जिन पर सहमति बनी है, परिवार जिनको रख रहा था सामने, साफ तौर पर इस पूरे मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को समझते हुए ये तुरंत फैसला लिया गया है जो जरूरी भी था। कमलेश, आप लाइन पर हैं? जी जी, देखिए बिल्कुल, अभी एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि काफी जो लोग जो एमबी हॉस्पिटल के बाहर एकत्रित हुए थे वो अंदर घुसने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन पुलिस का जो भारी जाप्ता था वहां तैनात था। हाँ, तो देखिए अब बिल्कुल ये जैसे कमलेश दक्षिणी भी जानकारी दे रहे थे, इस पर और अपडेट लेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, उदयपुर शहर में लाठीचार्ज की सूचना मिल रही है, अस्पताल के बाहर खड़े लोग आक्रोशित हुए और फिर उसके बाद लाठीचार्ज किया गया है उदयपुर शहर में, यानी बिल्कुल जो अस्पताल के बाहर लोग खड़े हुए, और इसके अलावा कुछ और इलाकों में भी भीड़ जमा हुई है, लाठीचार्ज की भी इस बीच सूचना आ रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, और पूरे मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए लगातार पुलिस और प्रशासन वहां मुस्तैद है, और इस बीच भीड़ भी अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुई है और लाठीचार्ज की भी सूचना मिली है। हम लगातार न्यूज 18 राजस्थान के जरिए आपसे अपील करते हैं, प्रदेश में उदयपुर शहर में हर लिहाज से शांति और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग करें, अपनी भावनाओं, अपने जज्बातों पर पूरी तरह से काबू रखें, किसी भी तरह की अफवाह की ओर ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसे नाजुक मौके पर शरारती तत्व अपनी हिमाकत से बाज नहीं आते और ऐसे किसी भी कुत्सित प्रयासों को कुचलने में लगातार सहयोग दें। लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि लाठीचार्ज हुआ है और अस्पताल प्रशासन, या यूं कहें कि अस्पताल परिसर के बाहर काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। हम कुछ जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहां पर पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए अपने तरीके से कोशिश की है।